बीजेपी की प्रयोगशाला माने जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में इस बार भी मिशन 2024 और पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रयोग शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 का आगाज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के साथ करेंगे। पीएम से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद करने वाले देशभर के 2900 बूथ कार्यकर्ता उन पांच राज्यों में मंडल स्तर पर पार्टी की रणनीति पर काम करेंगे जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक पंथ दो काज की तर्ज पर बीजेपी मिशन 2023 और 2024 के लिए अपने बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत का आगाज करने जा रही है। पीएम मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में चुनिंदा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें प्रत्येक लोकसभा से पांच कार्यकर्ता शामिल होंगे। भोपाल के इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 10 लाख बूथों पर और मध्य प्रदेश के 64,000 बूथों पर डिजिटल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन सुनने के बाद 28 जून से 5 जुलाई तक मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में अल्पकालीन विस्तारक कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है, जिन्हें चुनावी राज्यों में बूथ स्तर तक कार्य कैसे करना है, बूथ स्तर तक सरल ऐप और नमो ऐप की जानकारी देनी है। बीजेपी के देश भर के बूथ विस्तारकों का सम्मेलन भोपाल में होने जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं, और पूरे देश भर की 500 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों से ये बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको डिजिटल बूथ से लेकर तमाम बूथ पर काम करने वाले कार्य बताएंगे, और यहाँ से ये सभी कार्यकर्ता देश के उन पाँच राज्यों में पहुँचेंगे जहाँ पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित जो पांच राज्य चुनाव वाले राज्य हैं वहाँ ये कार्यकर्ता जाएंगे, और 7 दिन जो है वहाँ पर विस्तारक जो है अल्पकालिक विस्तारक के तौर पर बूथ पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश के संगठन के डिजिटल मॉडल को ये सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ से इस वर्कशॉप के जरिए सुनकर जाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यकर्ताओं को जो है टिप्स देने वाले हैं कि किस तरह बूथ पर काम करना है। तो अपने आप में बीजेपी का ये मिशन 2023 और मिशन 2024 में ये जो कार्यकर्ता है एक संजीवनी के तौर पर हर बूथ पर काम करने वाले हैं। यहाँ आकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता डायरेक्ट पीएम से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से संवाद कर रहे हैं, ये बड़ा उत्सव का कारण है और कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग और उत्साह प्रवाह हो रहा है, जिससे कार्यकर्ता अपने अपने बूथों में जाकर भाजपा के काम को मजबूत करेंगे। डिजिटल बूथ और हम लोग सरल ऐप के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं को डिजिटल तौर पर हम जोड़ रहे हैं। हमारा जो मिशन और विजन है, श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाना है। विधानसभा या लोकसभा हम जीत जाते हैं, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम इस बैठक में सीखने आए। वही मध्य प्रदेश का आदर्श डिजिटल संगठन मॉडल भी दूसरे चुनावी राज्यों में बताया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक इस पूरी रचना में लगे लगभग 40 लाख कार्यकर्ता संगठन ऐप के जरिए डिजिटल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं, जो कि पूरे देश भर के बूथ कार्यकर्ताओं की संख्या का लगभग 50% है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।